जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है। देखिए, पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा सेम सेम उतना ही कट ऑफ गया था जितना आपको बताया गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही उम्मीद करिएगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा उतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए वैकेंसी की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आप वैकेंसी अपना देख सकते हैं कि जूनियर ऑफिसर लीगल में 4 वैकेंसी, जूनियर ऑफिसर फर्स्ट विजिलेंस में 2 वैकेंसी और मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की 15 वैकेंसी थी। इसी प्रकार से आप अपनी सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, मतलब लेवल ऑफ कंपटीशन कितना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 627 स्टूडेंट हैं लीगल में, विजिलेंस में जो हैं वो 18 वैकेंसीज हैं, विजिलेंस में 18 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और यहीं पर मैनेजमेंट ट्रेनी में 2713 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेनी एग्रीकल्चर में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो इस बेस पर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने स्टूडेंट थे, 4 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट थे, 15 स्टूडेंट थे और 40 स्टूडेंट थे। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ से निकालें अगर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 15 सीटें हैं, यहाँ पर 40 वैकेंसीज हैं। अगर बात करें कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप निकालेंगे अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 180 के आसपास स्टूडेंट जो है वो फाइट कर रहे हैं, यानी कि 180 स्टूडेंट जो है। हम बात अभी फिलहाल करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, जो एग्रीकल्चर से फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं या एबीएम से फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर 180 का कंपटीशन है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है वो 350 स्टूडेंट के आसपास आएंगे एक सीट पर, यानी कि 350 स्टूडेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर में फाइट कर रहे हैं और 180 स्टूडेंट जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग पे फाइट कर रहे हैं। सारी वैकेंसी सारी पोस्टों की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि देखिए कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो कम है, यानी कि जिसे आप विजिलेंस में देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही पोस्ट है लेकिन 2 पोस्ट में भी एप्लीकेंट जो है वो 18 ही हैं, यानी कि 9 स्टूडेंट ही एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कम है क्योंकि आप देखते होंगे कई एग्जामों में तो 6 गुना 7 गुना 8 गुना स्टूडेंट मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फाइट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 350 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट पर, यहाँ पर आप देखेंगे 180 प्लस स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट पर। तो इस बेस पर अगर देखेंगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है इसमें बहुत ही हाई है और यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो मार्केटिंग का है इसमें भी काफ़ी हाई है। तो इन दोनों की हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम दे के आए होंगे, क्योंकि मैंने जो रिव्यू लिया है छात्रों का उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना ये है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो इजी था, इजी मतलब मॉडरेट भी नहीं था, इजी था, ये उनका कहना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मानना है कि 99% स्टूडेंट जो हैं वो 90 प्लस ही करके आए हैं, कोई हो सकता है 1-2 स्टूडेंट वो 90 से नीचे किया हो, बाकी सभी स्टूडेंट जो हैं वो 90 प्लस ही करके आए हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे बोल रहे हैं कि वो 100 करके आए हैं, 98 करके आए हैं, 95 करके आए हैं। देखिए करने की बात अलग होती है और वहीं पर राइट क्वेश्चंस की बात अलग होती है। देखिए आपके राइट क्वेश्चन कितने होते हैं, आपने अटेम्प्ट कितने किए, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए एग्ज़ाम हाल में प्रेशर के टाइम में आप कितना भी जो है करके आएंगे, बट उसमें से 4-6-10 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं आपके। और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कुछ 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। इस बेस पर चूँकि लेवल ऑफ कंपटीशन आप देख रहे हैं 350 स्टूडेंट और 180 प्लस स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, इनको चाहिए कितने, ओनली इसमें 15 स्टूडेंट चाहिए और यहाँ पर 40 स्टूडेंट चाहिए। तो 13,436 में से 40 स्टूडेंट चाहिए,
ये कुछ छोड़े भी अगर होंगे तो ये मान लेता हूँ यहाँ पर जो है 2000 स्टूडेंट तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, 13436 में से 12000 स्टूडेंट या 11000 स्टूडेंट तो एग्ज़ाम दिए ही होंगे, तो उस बेस पर हम लोग अगर निकालेंगे तो भी 300 यहाँ पर 300 लगभग मान लीजिए कि आएगा आपका एक सीट पर कंपटीशन, और यहाँ पर मान लेते हैं 150 स्टूडेंट एक सीट पर कंपटीशन है, फिर भी इतना कम नहीं है, 300 और 150 कम नहीं है। तो इस बेस पर हम लोग कट ऑफ अगर की चर्चा करें तो देखिए आपका कट ऑफ जो है वो 85 प्लस श्योर है कि जाना ही जाना है, 85 के नीचे कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है, जिस हिसाब से छात्र जो है बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट 95-98 करके आए हुए हैं, क्योंकि उनको अब 2700 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट ही तो चाहिए, तो अगर 15 स्टूडेंट भी 2700 में से 90 मार्क्स ले आते हैं तो कट ऑफ तो 90 चली गई, तो इसलिए 85 नीचे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लो गया तो मान लीजिए कि 87 तक जा सकता है, नहीं तो आप 90 के अप्रॉक्स अपना कट ऑफ मान के चलेंगे, दोनों ही पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्रेनी एग्रीकल्चर और ट्रेनी मार्केटिंग दोनों के लिए जो कट ऑफ होगा वो 90 के अप्रॉक्स रहने वाला है, 90 के आसपास रहने वाला है, हो सकता हो 88-89 भी चला जाए या हो सकता हो 90 भी चला जाए, तो उसमें कोई वो देखने वाली बात होगी, जब रिजल्ट आएगा तब कितना जाएगा एग्जैक्ट तभी पता चलेगा आपको, लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 88-89 के आसपास जो है, मतलब 85-90 आप मानेंगे कि 85-90 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाने वाला है आपका। चूँकि देखिए करने की बात अलग है कि अभी आप कमेंट हो सकता करें कि मैंने 98 किया है, 97 किया, 95 किया है, बट आपके एग्जैक्ट कितने हैं वो देखने वाली बात होगी, यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है 1/4 का, तो 85-90 के बीच में आपका कट ऑफ जो है इस बार का रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, अगर अटेम्प्ट किए हैं छात्रों ने तो हो सकता हो कि इस 13000 में से 40 छात्र ऐसे मिल जाएं आपको कि जिनका 87-88 हो, तो आपका कट ऑफ 87-88 चला जाएगा, तो इसलिए 85 प्लस आपके हैं तो आप उम्मीद करें कि आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर होने वाला है। अगर आपके 90 के अप्रॉक्स में बन रहे हैं, 90 के आसपास बन रहे हैं, तो आप मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा, आप मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर ही होगा, अगर 90 के आसपास भी बन रहा है आपका, तो फिलहाल 85 प्लस आपका है तो आप मानिएगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, और 85 के नीचे सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है इस बार, जो लेवल ऑफ कंपटीशन और लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा फाइनली कट ऑफ आपका 85-90 के बीच में बनेगा, 85-90 के बीच में बनेगा, ये कट ऑफ आप याद करके रखिएगा, जब आपका रिजल्ट आए तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करिएगा और तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।